एवरीवन, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में। अभी तक मैं ऑलरेडी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। उसमें मैं आप लोगों को बता चुका हूं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन के बारे में। कंसिस्टेंट में आपका दो टाइप का सोल्यूशन होता है, एक इनफिनिटी मेनी सोल्यूशन और एक यूनिक सोल्यूशन, जबकि इनकंसिस्टेंट में आपका एक टाइप का सोल्यूशन होता है जो कि आपका कहलाता है नो सोल्यूशन। तो यहां पे हम देखते हैं होमोजीनियस इक्वेशन को। तो होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन हम उस तरह के इक्वेशन को कहेंगे, उस तरह के सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कहेंगे जिसमें सारा कांस्टेंट जीरो हो। जिसमें सारा कांस्टेंट जीरो हो वो सिस्टम क्या कहलाएगा? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जैसे मेरे पास अगर इक्वेशन है a1x + b1y + c1z = 0, a2x + b2y + c2z = 0, a3x + b3y + c3z = 0। आप यहां पे देख सकते हैं मेरे पास जो इक्वेशन है वो कैसा इक्वेशन है? एक होमोजीनियस इक्वेशन है। क्यों होमोजीनियस इक्वेशन है? क्योंकि यहां पे तीनों कांस्टेंट जो है वो जीरो है। तो हम यहाँ पे इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होगा? यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन, इनफिनिटी मेनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन किस कंडीशन में मिलेगा? इन सारे चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि यूनिक सोल्यूशन, इनफिनिटी मेनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कब बनता है। एक तरफ हम लिए हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन और एक तरफ हम लिए हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हम यहां पे दोनों को कंपेयर करके पढ़ाएंगे क्योंकि ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये अगर आप जानते हैं, ये चीज अगर आपके दिमाग में है तो ये चीज भी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इसलिए हम यहां पे दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पे मेरे पास तीन कांस्टेंट है, तीनों कांस्टेंट नॉन जीरो है, इसलिए आपका क्या है? नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आप यहां पे देख सकते हैं तीनों कांस्टेंट जीरो है, इसलिए आपके पास है होमोजीनियस इक्वेशन। अब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ax इज इक्वल टू b, तो ax इज इक्वल टू बी, जहां पे a आपका क्या है? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, जिसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 मैट्रिक्स के फॉर्म में आएगा। x क्या है? xyz वेरिएबल मैट्रिक्स। b क्या है? कांस्टेंट मैट्रिक्स। यहां पे भी आपका सेम सीन क्रिएट हो रहा है। a आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, x आपका वेरिएबल मैट्रिक्स है और यहां पे o आ गया और यहां पे आपका क्या था? b। b क्यों था? क्योंकि यहां पे नॉन जीरो कांस्टेंट था। और यहां पे o क्यों है? क्योंकि यहां पे जीरो कांस्टेंट है। अब यहां पे हम क्या निकालते थे? x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी निकालते थे। तो इस ए इनवर्स को निकालने के क्रम में हमको क्या निकालना पड़ता था? डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले हम क्या निकालते थे? डिटरमिनेंट। तो यहां पे भी हम सबसे पहले डिटरमिनेंट ही निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालने के बाद दो केस बनता था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जीरो नहीं भी हो सकता है और डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जीरो भी हो सकता है। यहां पे भी दो केस बनेगा, एक डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो और दूसरा डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। अब जरा ध्यान दे, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इस केस में जो आपके पास सोल्यूशन आता था वो कैसा आता था? कंसिस्टेंट और यूनिक सोल्यूशन आता था। कंसिस्टेंट और यूनिक सोल्यूशन आता था। तो यहां पे भी आपके पास कंसिस्टेंट और यूनिक सोल्यूशन आएगा। यहां पे भी आपके पास क्या आएगा? कंसिस्टेंट और यूनिक सोल्यूशन। इस केस में जब डिटरमिनेंट जीरो के बराबर आता था तो हम क्या चेक करते थे? एडजॉइन ए इनटू बी, जहां पे बी आपके पास क्या है? d1 d2 d3। अब आप देख सकते हैं एडजॉइन ए इनटू बी चेक करने के बाद वो नल मैट्रिक्स हो सकता है या नल मैट्रिक्स नहीं हो सकता। जब वो नल मैट्रिक्स बनता था तो ये क्या बनता था? कंसिस्टेंट और इनफिनिटी मेनी सोल्यूशन। और जब वो नल मैट्रिक्स नहीं बनता था तो वो क्या बन जाता था? इनकंसिस्टेंट और नो सोल्यूशन। यहां पे आप खुद देखें और जरा सोचे, डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो आता है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? एडजॉइन ए।
एडजॉइन ए, चलिए एडजॉइन ए हम निकाल लेते हैं। एडजॉइन ए निकालने के बाद हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बी से। यहां पे बी का काम कौन कर रहा, ओ। तो आप जरा खुद सोचिए, अगर हम यहां पे एडजॉइन ए निकाल लेते हैं, एडजॉइन ए हम निकालने जानते हैं, एडजॉइन ए निकालने के बाद अगर हम इसको ओ से मल्टीप्लाई करें, ओ से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये भी जरा सोचिए। ओ से हम इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहां पे ओ ही है आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स जिसमें आपका सब क्या है, जीरो। यहां पे बी से क्यों मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि यहां पे कांस्टेंट मैट्रिक्स आपका क्या था, बी। तो यहां पे हम ओ से मल्टीप्लाई किए, यहां पे एडजॉइन ए को बी से मल्टीप्लाई किए, तो यहां पे ये क्वाइट चांसेस है कि ये नल मैट्रिक्स बन सकता है या ये नल मैट्रिक्स नहीं भी बन सकता, दोनों का ऑप्शन है यहां पे। लेकिन आप खुद सोचे, अगर हम एडजॉइन ए को ओ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा नल मैट्रिक्स बनेगा कि नहीं, क्यों? क्योंकि नल मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमको एक नल मैट्रिक्स ही मिलता है। तो यहां पे इस केस के लिए क्या ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन कभी नहीं होगा। यहां पे ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि एडजॉइन ए इनटू बी नल मैट्रिक्स नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहां पे ये दोनों में से कोई जीरो नहीं है, तो जब ये दोनों में से कोई जीरो नहीं है तो जरूरी नहीं कि उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा जीरो ही आए। लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं कि एक मैट्रिक्स आपका नल मैट्रिक्स है, तो एक मैट्रिक्स अगर आपका नल मैट्रिक्स है तो यहां पे 100% कंफर्म है कि ये मैट्रिक्स एडजॉइन के साथ मल्टीप्लाई होकर नल मैट्रिक्स ही देगा, तो ये नल मैट्रिक्स ही देगा। तो यहां पे खाली एक ही केस होगा ये केस, और इस केस में आपको क्या मिलेगा, कंसिस्टेंट और इनफिनिटी मिनी सॉल्यूशन। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, कंसिस्टेंट और इनफिनिटी मिनी सॉल्यूशन। मतलब कि अगर आपके पास होमोजीनियस है, अगर आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन है तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ज्यादा प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर आपके पास होमोजीनियस है तो आप सीधा डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल, डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर जीरो नहीं आता है, कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन, डायरेक्ट कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन। डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर जीरो आ जाता है, कंसिस्टेंट और इनफिनिटी मिनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट और इनफिनिटी मिनी सॉल्यूशन। इसमें ये ऑप्शन कभी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन कभी नहीं आएगा मतलब कि होमोजीनियस इक्वेशन जो है कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं बन सकता। होमोजीनियस इक्वेशन हमेशा, चाहे वो जैसा भी मैट्रिक्स है, चाहे उसका डिटरमिनेंट कुछ भी है, वो हमेशा कंसिस्टेंट ही होगा। वो या तो यूनिक सॉल्यूशन देगा या तो इनफिनिटी मिनी सॉल्यूशन देगा, उसमें कभी भी नो सॉल्यूशन का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब कुछ पार्ट आपको याद रखना है कंपटीशन के लिए। कंपटीशन में जो अब हम बताने जा रहे हैं उससे रिलेटेड कंसेप्ट पे बहुत सारा सवाल पूछा गया है पिछले 5 साल में। अब जरा ध्यान दें, और थोड़ा ध्यान से दें स्पेशली कॉम्पिटिशन वाले लोग जो मेन्स और आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं, जरा ध्यान दें। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं आता है तो यहां पे सॉल्यूशन यूनिक मिलेगा, यहां पे आपको एक्स वाई और जेड सबका वैल्यू जीरो मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन होगा और हर प्रॉब्लम का यही सॉल्यूशन होगा। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया, कोई जरूरत नहीं आपको निकालने का, सीधा एक्स वाई और जेड सब जीरो। और जब तीनों जीरो आए, जब सारा वेरिएबल का वैल्यू जीरो आ जाए, तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं ट्राइवियल सॉल्यूशन। ये आपका कहलाएगा ट्राइवियल सॉल्यूशन। याद रखे, अगर कहीं कह रहा है कि आपके पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो ट्राइवियल सॉल्यूशन दे रहा, आपके पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो ट्राइवियल सॉल्यूशन दे रहा है, मतलब ये अंडरस्टूड है कि उसमें तीनों वेरिएबल जीरो देगा, मतलब ये अंडरस्टूड है कि उसमें जो डिटरमिनेंट है वो जीरो के बराबर नहीं होगा। ये याद रखेंगे, अगर ट्राइवियल सॉल्यूशन कह दिया कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का ट्राइवियल सॉल्यूशन है, तो ट्राइवियल सॉल्यूशन है मतलब कि डिटरमिनेंट ऑफ ए कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। यहां पे इनफिनिटी मिनी सॉल्यूशन मिलेगा, यहां पे एक्स वाई और जेड का वैल्यू जीरो नहीं मिलेगा, तो इसको हम कहेंगे, यहां पे जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको हम कहते हैं नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। ये आपका क्या कहलाएगा, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। मतलब कि अगर आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन होमोजीनियस, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन में नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन मिलेगा, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन में नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन मिलेगा, तो उस केस में डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो होगा, उस केस में डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो होगा, जहां पे ए आपका क्या है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो यहां पे हम आराम से दोनों को कंपेयर करके पढ़ सकते हैं, इसमें एडजॉइन निकालने का कोई टेंशन नहीं है।
है, कोई जरूरत नहीं है आपको एडजॉइन निकालने का। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, अभी हम इस पे एक प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे कि आपको क्लियर कर दे कि इसका फाइनल सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं अगर इन केस वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आता है। लेकिन पहले ये चीज अच्छे से समझना जरूरी है कि आपका ये इक्वेशन है कैसा इक्वेशन है, होमोजीनियस। तो ax is equal to b की a आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, x आपका वेरिएबल। सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे, कुछ नहीं, डिटरमिनेंट अगर जीरो नहीं है, कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन, x y z सब जीरो, ट्रिवियल सॉल्यूशन। इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का नाम क्या है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। डिटरमिनेंट ऑफ a जीरो अगर आ गया, कंसिस्टेंट और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसका नाम क्या, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसको हम जीरो सॉल्यूशन भी कहते हैं। अगर जीरो सॉल्यूशन कह रहा है मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू जीरो, अगर नॉन जीरो सॉल्यूशन कह रहा है मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a जीरो। लेकिन ये चीज केवल एप्लीकेबल है किसके लिए, होमोजीनियस के लिए। तो चलिए अब हम एक प्रॉब्लम देखते हैं कि आपका ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मेरे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है 2x plus 3y minus z equal to 0, x minus y minus 2z equal to 0, 3x plus y plus 3z equal to 0। आप यहाँ पे देख सकते हैं तीनों कांस्टेंट क्या है, जीरो। तो तीनों कांस्टेंट जीरो है मतलब ये क्या आपका होमोजीनियस। तो सबसे पहले इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, ये 2, 3, माइनस 1, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, माइनस 1, माइनस 2, यहाँ आप देखिए 3, फिर क्या 1 और ये आपका 3, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गया। फिर आपके पास वेरिएबल क्या है, x, y, z, यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट तो 0, 0 है, कांस्टेंट आपका क्या आ गया 0, 0। अब आप खुद देख सकते हैं इस पूरे को हम क्या कहेंगे, a, ये पूरा आपका क्या हो गया, x is equal to o, तो ये ax is equal to o आ गया, ये आपका होमोजीनियस है। तो हमको यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ऑफ a, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ a के बाद ही हमको पता चलेगा कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आ रहा है या यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। जैसा कि अभी मैंने थ्योरी में आप लोगों को बताया था कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, ट्रिवियल। अगर डिटरमिनेंट ऑफ a जीरो आ जाता है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ a चेक करते हैं, ये 2 लिए, तो 2 लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़े तो ये देख सकते हैं माइनस 3 आ रहा है, फॉर्मूला का एक माइनस और माइनस 2, ये क्या बन जाएगा, प्लस 2। यहाँ पे आप देखिए 3 है तो माइनस 3, तो ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 आएगा, फॉर्मूला का एक माइनस और ये माइनस 6, तो ये प्लस 6 बना। यहाँ पे माइनस 1 है तो माइनस 1 लिखे। अब आप यहाँ पे देखें फर्स्ट और थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम को छोड़े तो ये 1 आ रहा है, फॉर्मूला का एक माइनस और ये माइनस 3, तो ये क्या बन गया, प्लस 3। अब आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं ये क्या आ जाएगा, माइनस 1 और 2, तो ये माइनस 2 बना। यहाँ पे 3 प्लस 6 9, 9 माइनस 3 इज वॉट, माइनस 27। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास क्या आ रहा, माइनस 4, तो ये सबको ऐड करने के बाद हमको यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या मिल रहा, माइनस 33। तो डिटर्मिनेंट माइनस 33 मिल गया, तो डिटर्मिनेंट माइनस 33 मिल गया मतलब क्या हो गया कि ये 0 के बराबर नहीं, तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है, तो डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है मतलब क्या हो गया कि ये कंसिस्टेंट मिलेगा, और कंसिस्टेंट में कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 के बराबर नहीं है तो कंसिस्टेंट तो मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, ट्रिवियल। और ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि x, y और z सब क्या हो गया, 0। तो याद रखें हमेशा, हम हमेशा पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू जीरो आया होमोजीनियस के केस में, याद रखें ये केवल होमोजीनियस के लिए एप्लीकेबल है। डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू जीरो आया तो आपको हमेशा कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और यूनिक सॉल्यूशन में क्या मिलेगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 1, जिसमें आपने सीखा कि ट्रिवियल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, जिसमें आपने सीखा कि होमोजीनियस में यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। अब हम एक प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें हम बताएंगे आप लोगों को कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हम होमोजीनियस में कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। यहां पे देख सकते हैं मेरे पास एक प्रॉब्लम है, सो दैट द होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ये कब होता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो, मतलब कि नॉन ट्रिवियल दिखाने के लिए हमको डिटरमिनेंट 0 दिखाना पड़ेगा। तो चलिए पहले देखते हैं, पहले इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज कर,
ये आपके पास क्या है वन, यहाँ पे देखें माइनस टू, ये वन, यहाँ क्या वन वन माइनस वन, वहाँ आप देख सकते हैं थ्री सिक्स और माइनस फाइव, थ्री सिक्स एंड माइनस फाइव, ये हो गया मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। वेरिएबल मेरे पास क्या है एक्स वाई एंड जेड, कॉन्स्टेंट क्या है मेरे पास जीरो जीरो एंड जीरो, ये हो गए। अब इस पूरे को हम ए मानेंगे एज यूजुअल, इस पूरे को एक्स और इस पूरे को ओ। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए जीरो। चलिए चेक करते हैं डिटर्मिनेंट सबसे पहले, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन, तो वन लिखे, फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे क्योंकि ये फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट कॉलम है, ये आप देख सकते हैं माइनस फाइव बन रहा, फॉर्मूला का एक माइनस, ये माइनस सिक्स तो ये प्लस सिक्स बनेगा, फॉर्मूला का एक माइनस होता है, माइनस टू लेंगे तो ये प्लस टू बना, ये आपका फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ें, ये क्या आ जाएगा माइनस फाइव, तो माइनस फाइव फॉर्मूला का एक माइनस, ये माइनस थ्री आ रहा है, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस थ्री। अब हम प्लस वन लिए तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम को छोड़ें, ये क्या आ जाएगा सिक्स माइनस थ्री, तो ये सिक्स माइनस थ्री आपका बना, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस वन बन रहा है, यहाँ पे आप देखें माइनस टू, माइनस टू इंटू टू क्या बनेगा माइनस फोर, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस थ्री, आप खुद देखें वन प्लस थ्री इज वॉट फोर, फोर माइनस फोर जीरो, तो यहाँ पे आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया जीरो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया मतलब ये क्या हो गया कंसिस्टेंट इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आपका प्रूफ हो गया, क्यों प्रूफ हो गया क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे क्या आ गया जीरो। अब आपको यहाँ पे दूसरा जो पार्ट है वो क्या है ऑल्सो फाइंड इट्स सॉल्यूशन, ऑल्सो फाइंड द सॉल्यूशन, मतलब कि यहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो कैसा सॉल्यूशन आएगा इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन, इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन निकालने का तरीका मैं आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ नॉन होमोजीनियस में, जिस तरह से नॉन होमोजीनियस में हम इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन निकालते हैं ठीक वैसे ही यहाँ पे भी हम इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन निकालेंगे। इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन निकालने का तरीका हम क्या बताए थे कि आपके पास तीन वेरिएबल है, तीन वेरिएबल में से आप किसी एक वेरिएबल को के मान ले, तो हम यहां पे क्या करते हैं जेड को के मानते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं मेरे पास तीन इक्वेशन, इस तीन इक्वेशंस में से हम एक्स माइनस टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो है, दूसरा है एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो, और तीसरा मेरे पास है 3x प्लस 6y माइनस 5z इक्वल टू जीरो। यहाँ पे तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल को आपको क्या मानना है k, तो हम यहाँ पे z को k माने, तो जैसे ही z को k माने फिर हम आपको क्या बताए थे कि ये तीन इक्वेशन में से आप किसी भी दो इक्वेशन को पकड़ेंगे, हम यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को पकड़ते हैं, तो ये देखिए आप x माइनस 2y यहाँ पे k रखेंगे उस साइड गया माइनस k बना, यहाँ पे आप देख सकते हैं x प्लस वाई यहाँ पे k रखेंगे दूसरी तरफ चला गया तो प्लस k, इसको हम वापस मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे क्यों, क्योंकि इसको हम मैट्रिक्स मेथड से बनाना है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो ये क्या आएगा वन माइनस टू, यहाँ से यहाँ पे आप देख सकते हैं वन वन, ये मैट्रिक्स हो गया आपके पास। अब वेरिएबल कौन बचा x और y, यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या बचा माइनस k और k, तो ये हो गया माइनस के एंड के, यहाँ पे इस पूरे को हम क्या मानेंगे ए, इस पूरे को क्या मानेंगे एक्स, और ये आपका पूरा क्या हो गया बी। अब यहाँ से आपको याद होगा ये आपका क्या बनता है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी बनता है, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना पड़ेगा ए इनवर्स, और ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है एडजॉइन ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, टू क्रॉस टू ऑर्डर का एडजॉइन डायरेक्ट निकालने का तरीका आप लोगों को बता चुके हैं, तो ये एक्स आया, यहाँ से इसका एडजॉइन निकालने के लिए इन दोनों को हम क्या करेंगे इंटरचेंज, ये वन और वन ही रह गया, इन दोनों के साइन को क्या करेंगे चेंज, यहाँ पे माइनस टू है तो ये क्या बनेगा टू, और ये क्या बन गया माइनस वन, ये तो आपका एडजॉइन हुआ, इसको हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे देख सकते हैं ये वन आ रहा है और ये माइनस टू, फॉर्मूला का एक माइनस होता है तो ये क्या बनेगा थ्री, तो ये वन बाई थ्री हो गया, आप देख सकते हैं वन माइनस फॉर्मूला का ये माइनस टू तो प्लस थ्री, तो ये वन बाई थ्री, यहाँ पे कांस्टेंट माइनस के और के, अब हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये एक्स हो गया और ये वाई, यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए ये क्या बन रहा माइनस के बन रहा, ये क्या आएगा प्लस टू के, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या बनेगा के, और ये भी आपका क्या बनेगा प्लस के। अब आप खुद चेक करें एक्स का वैल्यू,
x का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के प्लस टू के, मतलब के के डिवाइड बाई थ्री आ जाएगा। y का वैल्यू आपके पास क्या आएगा, के प्लस के टू के बाई थ्री, तो y का वैल्यू आ गया टू के बाई थ्री, और z आपका क्या है, k। और यहाँ पे k किसको रिप्रेजेंट कर रहा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को, तो के अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक्स वाई जेड आपका इन्फाइनाइटी क्या हो गया, मिनी सॉल्यूशन। तो होमोजीनियस के केस में इन्फाइनाइटी मिनी सॉल्यूशन निकालने का तरीका वही है जो नॉन होमोजीनियस में था, किसी एक वेरिएबल को के मानना था, किसी दो इक्वेशन को हमको पकड़ना था। यहाँ पर भी सेम तरीका, अगर आंसर से मैच कराना है तो आप जेड को के मानेंगे और फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को पकड़ेंगे। तो ये था आपका होमोजीनियस का कंसेप्ट। इस वीडियो में कॉम्पिटिशन वालों को एक चीज दिमाग में रखना है हमेशा कि ट्रेवियर और नॉन ट्रेवियर सॉल्यूशन कब होता है, किस कंडीशन में होता है। ट्रेवियर कब होगा, जब डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं हो। नॉन ट्रेवियर कब होगा, जब डिटरमिनेंट जीरो के बराबर हो। ट्रेवियल को ही हम जीरो सॉल्यूशन भी कहते हैं और नॉन ट्रेवियल को हम नॉन जीरो सॉल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इस कंसेप्ट पे बहुत बार प्रॉब्लम पूछा गया है आईआईटी में। आप जाके क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं और बना सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक है, होमोजीनियस सारा टॉपिक यहाँ पे कवर हो गया। होमोजीनियस आप अच्छे से समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं, आप होमोजीनियस के प्रॉब्लम को अच्छे से बना सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियो से थोड़े से भी बेनिफिटेड है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मेरे से कमेंट पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।